हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन निर्मल मेडिकल एंड आईआईटी एकेडमी। माय सेल्फ कुश कुमार डागुर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी कालीकट, एमएससी इन केमिस्ट्री। तो मैं आपके लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर लर्न करा रहा था कल। इससे पहले हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं बच्चों, तो इसमें अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड की चर्चा कर रहे थे और उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो हमने कुछ चर्चा की थी कल। और उसमें एक टर्म आई थी कि एन आइसोट्रॉपिक, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये प्रकृति में या विषम देशिक के नेचर के होते हैं। इनकी प्रकृति विषम देशिक प्रकार की होती है। विषम देशिक का मीनिंग क्या है एन आइसोट्रॉपिक का, कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि विभिन्न जो भौतिक गुणधर्म हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। ये हमने कल चर्चा की थी बच्चों। जैसे हम बात करें कि कोई क्रिस्टल है अपना, और उस क्रिस्टल की बात करें तो उसके कॉन्स्टिट्यूट्स जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से है। जैसे वन टाइप के जो हैं अपन ने, वो अपन ने यहाँ डॉट से दिखाए, एक क्रॉस टाइप से दिखाए, इस तरह से। तो हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में माना कि अपन ने एक डायरेक्शन ली ए टू बी, और एक लिया अपन ने पी टू क्यू। यदि हम इन दोनों डायरेक्शन की चर्चा करें, इसको यदि हम वन माने, इसको यदि हम टू माने, तो दोनों डायरेक्शन में यदि आप देखोगे तो इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या हो रही है बताओ, चेंज होती जा रही है। देखो प्लस प्लस डॉट प्लस, इस तरह से यहाँ पे देखोगे सेम पैटर्न है। तो ये है एन आइसोट्रॉपिक नेचर। जबकि एमोर्फस सॉलिड में क्या था, उनका नेचर कैसा था, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, कि आप कितनी भी दूरी तक जाएं उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है वो एक जैसी आपको क्या हो रही है, दिख रही है, इस तरह से। तो ये तो थे हमारे कल के। इसके बाद में एक टर्म आती है यहाँ पे दो, एक का नाम है आइसोमॉर्फिज्म, एक होती है पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है, इसको हिंदी में यदि बात करें तो इसको समाकृतिक बोलते हैं, कि कुछ जो क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं वो समाकृतिक होते हैं, और कुछ होते हैं बहुआकृतिक। तो समाकृतिक का मीनिंग क्या है बच्चों, समाकृतिक का मीनिंग क्या है, कि आइसोमॉर्फिज्म में आइसो जो टर्म है उसका मीनिंग है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, मॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चर, यानी सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए। वो उनका काइंड्स क्या हो बताओ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हों, सॉलिड हों, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसकी डेफिनेशन लिखें तो, टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, कि दो अलग 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 प्रकार के जो यौगिक हैं लेकिन उनकी संरचना कैसी होती है, संरचनात्मक रूप से वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको क्या बोल सकते हैं हम, आइसोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, आइसोमॉर्फस बोल सकते हैं, इस तरह से। जैसे अपन एक एग्जाम्पल है, व्हाइट विट्रोल और ग्रीन विट्रोल लिया। व्हाइट विट्रोल का फॉर्मूला ZnSO4.7H2O, ग्रीन विट्रोल होता है FeSO4.7H2O। इन दोनों का जो आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ देखोगे जिंक का इस प्रकार का ये सल्फेट है, ये Fe है, इसमें दोनों अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर यदि बात करेंगे तो ये दोनों क्या होते हैं, आइसोमॉर्फस होते हैं, अर्थात ये समाकृतिक क्या है बताओ, कंपाउंड है। तो इसमें क्या है टर्म, कि टू डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, दो अलग अलग क्या है बताओ, ये यौगिक हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर कैसी है बताओ, सेम है। फिर आता है अगला पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस का मीनिंग बहुआकृतिक। पॉली का मीनिंग जो होता है वो होता है मोर देन वन, और मोर देन वन वो कुछ भी हो सकता है, टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर क्या है बताओ, मॉर्फस मीन्स स्ट्रक्चर, कि पॉलीमॉर्फस कौन से कंपाउंड होते हैं बच्चों, कि वो सिंगल कंपाउंड होता है पहली बात तो, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है, कि सिंगल कंपाउंड हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। कि वह यौगिक या वे यौगिक जो एक ही सॉरी वे ठोस जो एक ही यौगिक के बने हों या एक ही यौगिक से निर्मित हों लेकिन उनकी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है, उनको हम बहुआकृतिक कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे जिंक सल्फाइड का, एक एग्जाम्पल लिया है ZnS का। ये प्रकृति में दो रूप में पाया जाता है, एक तो जिंक ब्लेंड के रूप में, एक वोल्टाइज के रूप में। तो जिंक ब्लेंड की जो स्ट्रक्चर है यदि उसकी हम बात करेंगे,
एक ही कंपाउंड से निर्मित हैं, एक ही एलिमेंट से हैं, के क्या है बताओ, ये सल्फाइड है जिंक का, तो इसकी स्ट्रक्चर तो SCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसकी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, CCP टाइप की है, तो इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जिनका यहाँ जिक्र किया है। ये स्ट्रक्चर होती हैं सॉलिड की टाइप में आएंगी आगे। तो इस तरह से पॉलीमॉर्फस और आइसोमॉर्फस ये दो टर्म आई। पॉलीमॉर्फस का मतलब सिंगल कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, और आइसोमॉर्फस का मीनिंग है सेम कंपाउंड है लेकिन क्या है बताए उनका, सॉरी सेम स्ट्रक्चर है लेकिन डिफरेंट काइंड की क्या बताओ कंपाउंड है, इनको बोलेंगे अपन आइसोमॉर्फस। तो इनको आप एक बार राइट डाउन कर लें जल्दी से।